वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं चंपारण के मंदिर में और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो सबसे पहले हम लोग बंदर को फल्ली वगैरह खिलाएंगे और उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। और सो दोस्तों ये जो चंपारण है वो रायपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे श्री चंपेश्वर महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पे यमुना नदी का घाट है दोस्तों और ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। कहीं से भी बंदर आ सकते हैं यहाँ। दोस्तों ये जो मंदिर है वो बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, सुंदर सा मंदिर है। अंदर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे यमुना घाट है, उसके साथ साथ यहाँ पे अंदर में खाने पीने की व्यवस्था है और यहाँ पे ना दोस्तों गार्डन वगैरह भी बनाए गए हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। और दोस्तों ये जो चंपारण है ना वो श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, इसलिए भी ये वाली जो जगह है वो फेमस है दोस्तों। अब मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर में मुझे ना जैसे ही अंदर घुसी ठंडा सा फील हो रहा है क्योंकि दोस्तों आजू बाजू ना बहुत सारी ग्रीनरी है, इसलिए भी यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। तो अगर आप ऐसी जगह आना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो और अच्छा एटमॉस्फेयर हो और साथ ही साथ आप भगवान के दर्शन भी करना चाहते हैं तो ये वाली जगह आपके लिए परफेक्ट है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यमुना मंदिर जाने का आपको रास्ता दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो यमुना नदी के तट पर यमुना मंदिर बनाया गया है दोस्तों और ये जो रास्ता ही है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैंने जो रास्ते का भी वीडियो शूट कर लिया। और देख लीजिए ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मंदिरें हैं ना दोस्तों वहाँ पे वीडियो शूट या फ़ोटो शूट कराना उतना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट यहाँ पे कर नहीं पा रही हूँ। देख लीजिए रास्ता ही कितना खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मुझे ना आजू बाजू से जो इंसेक्ट्स है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं यमुना नदी के किनारे। सामने मुझे कुछ पूल जैसा दिखाई दे रहा है और देख लीजिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है। सामने पुल के उस पर जाएंगे तो आपको यमुना मंदिर मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं यमुना नदी के किनारे में और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको आरती खाना खिला रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर भी है और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि भोजनालय,
और चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर जाने का रास्ता आगे से है। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ, अंदर भगवान के दर्शन करवा देती हूँ। सो दोस्तों देख लीजिए, आगे भोजनालय है, मंदिर के अंदर में ही भोजनालय बनाया गया है। 50 रुपये में आप यहाँ पे दाल चावल सब्जी वगैरह खा सकते हैं। अंदर में कुर्सी टेबल लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों मैं ये बहुत ही सुंदर सी जगह में आई हुई हूँ जो कि मंदिर के अंदर में ही है। यहाँ पे ना वॉल्स में पूरा मिरर वर्क किया गया है दोस्तों। अगर आप अपनी आँख से ये वाली जो जगह को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा आपको देखने में। और श्री चंपेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसके अंदर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह वहाँ पर ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं, लाते रहूं। बाय बाय, टेक केयर।